कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। पीएम यहां युवा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। वे रोड शो कर रहे थे, तभी एक युवक दौड़ता हुआ उनकी कार के गेट तक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को फौरन रोक लिया। उस वीडियो में जब पीएम मोदी गाड़ी के बाहर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे होते हैं, तब एक शख्स तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। डॉट उसके हाथ में माला होती है, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे तुरंत वहां से हटा देते हैं और पीएम का रोड शो जारी रहता है। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि रोड शो के दौरान एक बच्चा भीड़ से निकलता है और हाथ में फूलों की माला लिए तेजी से पीएम मोदी की ओर बढ़ता है। हालांकि पीएम तक पहुंचने में वो सफल नहीं हो पाता है। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी उसे रोक देते हैं, तब अन्य पुलिस जवान उसे खींच कर साइड कर देते हैं। हालांकि इस बीच पीएम मोदी उससे फूल की माला ले लेने का निर्देश देते हैं। ऐसे में गार्ड शख्स से फूल माला लेकर पीएम मोदी को सौंप देते हैं। घटना की प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर जांच की जा रही। वीडियो को एएनआई के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है।